नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे एक न्यू ड्राइविंग लाइसेंस जो बना है और उसके फीचर्स के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसमें कौन कौन से नए फीचर ऐड ऑन हुए हैं, नया ड्राइविंग लाइसेंस दिखता कैसे है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। उसमें कौन कौन से डिटेल हैं और क्या उसके नए वहाँ पे फीचर आपको देखने को मिलेगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस वीडियो में जानना चाहते हो नए ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 से दोस्तों नया ड्राइविंग लाइसेंस अभी इंडिया में बन रहा है। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे नया ड्राइविंग लाइसेंस जो वहाँ पे अभी बन रहा है उसमें काफ़ी सारे फीचर ऐड किए गए हैं एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस आप दोस्तों वहाँ पे उसको अपडेट करके नया ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नया प्रोफार्मा बन चुका है और मेरे पास वो ड्राइविंग लाइसेंस आप आ भी गया है। मैं उसका प्रोफार्मा आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ उसके फीचर्स के बारे में, तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर कि उसमें फ़ीचर कौन कौन से देखने को मिलेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, प्रोफार्मा मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास अभी नहीं आया, जल्दी ही आने वाला है तो मैं इसको आपको जल्दी दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास प्रोफार्मा है तो आपको चलिए बताते हैं और स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। और चलिए आपको बताते हैं उसमें यहाँ पर कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे। तो न्यू ड्राइविंग लाइसेंस में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर आपको मिल जाएगा वहाँ पे इंडियन यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय, कौन से वहाँ पे इशूड बाय मतलब कौन से वहाँ पे RTO से ये इशू किया गया है ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको ऊपर वाले पैनल पे दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे लेफ्ट साइड में इंडियन गवर्नमेंट का दोस्तों सिंबल आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे 3 लाइन्स वाला, और उसके बाद वहाँ पे राइट साइड में आपको वहाँ पे कैटेगरी भी देखने को मिल जाएगी। फिर वहाँ पर जब आप नीचे के उसके बाद आएंगे तो वहाँ पे आपका DL नंबर लिखा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जब उसके नीचे आप आओगे तो स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में माइक्रोचिप आपको देखने को मिलेगी, फिर उसके बगल राइट साइड में इशू डेट, फिर वहाँ पर वैलिडिटी लिखी रहेगी कि NT की नॉन ट्रांसपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है, दोनों को अलग अलग इस बार कर दिया गया है। पहले दोस्तों नहीं था, पहले एक ही वहाँ पे वैलिडिटी लिखी होती थी, इस बार दोस्तों अलग उसको कर दिया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे उससे आएंगे तो वहाँ पे आपको नेम देखने को मिलेगा, नेम के बाद दोस्तों आपका वहाँ पे उसके ही नीचे वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, फिर उसके राइट साइड में डेट ऑफ बर्थ के ब्लड ग्रुप, और उसके बाद दोस्तों राइट साइड में ऑर्गन डोनर, ये दोस्तों नया डाउन हुआ है फीचर ऑर्गन डोनर का, पहले ऑर्गन डोनर नहीं था, यानी कि मतलब कि इन केस ऐसा ना हो, लेकिन इन केस अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है और आपकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे आपका अगर लिखा रहेगा ऑर्गन डोनर वहाँ पे यस या नो, तो वहाँ पर अगर आप यस वहाँ पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस में बनवाते समय यस करेंगे तो आपके ऑर्गन्स वगैरह वहाँ पे डोनेट कर दिए जाएंगे, यही उसका मतलब होता है। ऑर्गन डोनर भी इसमें आई डाउन कर दिया गया है। फिर उसके नीचे वहाँ पे सन आपका लिखा रहेगा, सन ऑफ या डॉटर या वाइफ, आप जो भी हो आप वहाँ पे हैं वो आपके माता पिता या आपकी पत्नी जो भी हैं उनका नाम रहेगा। फिर उसके नीचे दोस्तों एड्रेस रहेगा, ये भी नया ऐड ऑन हुआ है, एड्रेस वाले पीछे वहाँ पे दिया जाता था लेकिन अभी ये आगे वाले पैनल पे एड्रेस आपका पूरा दिया रहेगा। ये है दोस्तों आपका फ्रंट वहाँ पे न्यू ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अब बनेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में जब इसको पलटेंगे ड्राइविंग लाइसेंस तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैक साइड में भी दोस्तों आपके ऊपर वाले जो प्लेट है पैनल पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, उसके बाद वहाँ पे इनवैलिड कैटेगरी, वहाँ पे कैटेगरी रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे आपका लिखा रहेगा, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा रहता था, पहले सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखा रहा, इस बार रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा रहेगा इनवैलिड वहाँ पे क्राइटेरिया का। फिर उसके बाद वहाँ पे आपकी बात करें तो वहाँ पे बैक साइड पर भी दोस्तों वैलिडिटी लिखी रहेगी, कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस रहेंगे उसकी वैलिडिटी भी लिखी रहेगी। फिर वहाँ पे दोस्तों लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर भी एक माइक्रोचिप देखने को मिलेगी, उस चिप के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर भी साइंड होगा। चिप तो पहले वाले ड्राइविंग लाइसेंस में भी थी लेकिन इस वाले ड्राइविंग लाइसेंस में वहाँ पे एक वहाँ पे नंबर भी उसको अलॉट किया गया है, उस नंबर पे दोस्तों इंटर करने के बाद आपके सारी डिटेल वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को मिल जाएगी, कौन से जिससे आप वहाँ पे अगर कोई आप वहाँ पे चालान नहीं भरते हो, आपका चालान कटा है, सब कुछ उस DL में मेंशन रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आप यहाँ पे कॉलन और रोज बने रहेंगे जो पहले नहीं था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे क्लास ऑफ व्हीकल्स लिखा रहेगा,
इशूड बाई और कब इशू किया गया है, उसके वैलिडिटी कितनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, और सब कुछ वहाँ पे डिटेल वहाँ पे लिखी रहेगी मोटरसाइकिल की, यानी कि MCWG अगर आपने बनवाया है लाइसेंस तो वो रहेगा, फिर ALMB रहेगा, फिर HMB रहेगा। वहाँ पे जितने भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे उस सब कुछ आपके वहाँ पे बैक साइड में वहाँ पे रो और कॉलम्स वगैरह में वहाँ पे सीरियल बाई सीरियल वहाँ पे लिखे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पे पीछे के साइड में आपके वहाँ पे सिग्नेचर और इशूड वहाँ पे मतलब कौन से RI मतलब वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू करते हैं वहाँ पे ऑफिसर, उनकी वहाँ पे सिग्नेचर रहेंगे। और यहाँ पे जो नया अभी दोस्तों अपडेट हुआ है सबसे बड़ा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे QR कोड है, QR कोड, तो QR कोड भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली राइट साइड में काफ़ी बड़ा दोस्तों आप देखने को मिल जाएगा आपको QR कोड, और QR कोड को स्कैन करते ही आपकी सारी डिटेल वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की आ जाएगी। तो ये है दोस्तों नया ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोफार्मा जो मैंने आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में बता दिया उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वहाँ पे अगर आप और जानना चाहते हो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ये बनेगा नया वाला, कैसे वैलिडिटी कितनी रहती है, ड्राइविंग लाइसेंस को चलाने की बनवाने के लिए क्या एज होनी चाहिए, कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ मैंने ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट बना कर रखी है, आई बटन में लिंक वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और फिर आप नहीं वहाँ पर आप जाना चाहते हो तो आप वहाँ पर चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, उन प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो देखने से आपके नॉलेज इंप्रूव होंगे ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। तो वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट जरूर देखें, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फ्यूचर में नई और टेक्नोलॉजी वाली वीडियोज़ डेली चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।